नमस्कार साथियों, साथियों कैसे हो सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आज अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा चल रहा था अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने क्या क्या करा दिया था आपको? एक तो अल्फाबेट सीरीज बताई, एक रिवर्स ऑर्डर वाली बता दी थी, एक 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 अंक छोड़कर ए के बाद, ठीक है, ए लेटर के बाद, मतलब बी डी ये थी ना आपकी ए बी सी डी ई एफ, ये थी ना। तो देखो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ये दो चार छ, अल्फाबेट में क्या आता है इसकी पोजीशन दो चार छ, इसका इसको बोल सकते हैं इवन सीरीज। इवन सीरीज सम, ठीक है, सम संख्या वाली सीरीज कौन सी हो जाएगी? सम श्रेणी, सम श्रेणी कहने का मतलब इवन सीरीज हो गई। तो हमने इवन सीरीज भी करा दी थी। तो अब इवन सीरीज में एक क्वेश्चन कराया था हमने, और क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आ जाइए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सभी लोग नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन, बाएं से ग्यारहवीं के बाएं ठीक है चौथा अक्षर कौन सा होगा जब आपकी सीरीज हो इवन, ठीक है, सम सीरीज हो, इवन सीरीज। इवन सीरीज का मतलब किसी अंग्रेजी वर्णमाला में एक, ठीक है, ए से स्टार्ट करते हुए, क्वेश्चन जो हमने पहली वाली में कराया था, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए बाएं से ग्यारहवीं के बाएं चौथा अक्षर, बाएं से ग्यारहवीं के बाएं चौथा अक्षर। तो जब ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हैं तो वो कौन सी सीरीज बनती है? इवन सीरीज। तो वही बनती है आपकी इवन सीरीज। कौन सी सीरीज बन जाती है? इवन सीरीज। तो इवन सीरीज में बाएं से ग्यारहवीं के बाएं चौथा अक्षर। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, देखो जो लोग थोड़ा बहुत होमवर्क करके आए होंगे या उन्होंने अच्छी तरह से वो लेक्चर लिया होगा तो आप आसानी से इनको आसानी से कर सकते हैं। जैसे बाएं से ग्यारहवां, आप बोलोगे ग्यारहवां, बाएं बाएं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ग्यारह माइनस चार तो आप बोलोगे सात। अब क्या हुआ, ये होगी इवन सीरीज दो दो के बाद। अगर इसको इवन सीरीज को हमें अल्फाबेट से कंपेरिजन करें तो क्या मतलब निकल गया था? मतलब निकल गया था कि इसमें हम दो का मल्टीप्लाई कर दें तो हम अल्फाबेट सीरीज को दोबारा प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दो का। तो सात दूनी क्या हो जाएगा? चौदह। तो चौदह क्या दे देगा? एन। तो चौदह क्या दे देगा आपका? एन। तो एन ही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? एन। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया एन। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लिखिए, दाएं से पांचवें के बाएं, दाएं से पांचवें के बाएं दूसरा अक्षर किसमें? इवन सीरीज में, सम संख्या वाली में, ठीक है, सम संख्या वाली उसी में हम लेके चल रहे। कहने का मतलब वही अंग्रेजी वर्णमाला में ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हुए, ठीक है, स्टार्ट करें तो हम दाएं से पांचवें के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा, कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो दाएं से पांचवें के बाएं दूसरा अक्षर आपको बताना है, दाएं से पांचवें के बाएं दूसरा अक्षर बताना है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ नहीं है, दाएं से बोला आपने, लो दाएं से पांचवाएं पांच के बाएं दूसरा तो प्लस कर देंगे क्योंकि ये दाया है, ये आपका बाया है, अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। तो कहने का मतलब आपका आ जाएगा दाएं से सातवां अक्षर, दाएं से सातवां अक्षर। तो हमें बताना है दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, दाएं से सातवां लो बाएं से निकाल लो। तो बाएं से आप निकालोगे कैसे? आपकी तरह कर देता हूँ, आप लोग निकालोगे बाएं से निकालना है सर कुछ नहीं, सत्ताईस माइनस सात कर दो बीस,
पी आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, बट ये आंसर होगा गलत, बट ये आंसर होगा गलत। अब आइए क्यों गलत होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आंसर होगा आपका गलत। अब आंसर गलत क्यों होगा उस पर आ जाइए। अब देखिए हम ले रहे हैं, देखो 27 में से कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब आपके अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल लेटर्स 26 हों। जब टोटल लेटर्स 26 हों तो हम क्या एक ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और बाएं से निकाल लेते हैं। कहने का मतलब दाएं से दे रखा है और बाएं से निकालना, मतलब कोई चीज़ दाएं से 8वें पे है तो आपसे पूछे बाएं से कौन से स्थान पे होगी, तो आप बोलोगे 27-8 कर देंगे सर। तो ऐसे ही ये दाएं से 7वां है, बट इसमें क्या है आपकी सीरीज कौन सी, हाफ सीरीज है, कंप्लीट सीरीज नहीं है। कंप्लीट सीरीज कौन सी होती है, 26 की, 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक, वो आपकी कंप्लीट सीरीज होती है। बट इसमें से क्या ए सी इन सबको हटा दिया गया, मतलब ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए, ठीक है, दाएं से 5वें के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, तो अब सीरीज कौन सी बचेगी, तो आप बोलोगे सर हाफ बचेगी, हाफ 26 की हाफ कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 13, 26 की आधी कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर 13, 26 की आधी निकाल लो तो क्या हो जाएगा 13। तो अब हमें निकालना है दाएं से दे रखा है हाफ में 7वां, तो बाएं से कौन सा होगा, तो सर इसमें तो कुछ नहीं है, 13 प्लस 1 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 14, तो 14 में से 7 घटा दो, तो 14 में से 7 घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये बाएं से निकालना आपको, तो बाएं से निकालना है तो आप क्या करोगे 14 में से 7 घटा दो तो क्या आ जाएगा 7, 14 में से 7 घटा दो क्या आ जाएगा 7, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं जी 27 होता है, ऐसे होता ना, ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी G7, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका जी। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी, तो सभी लोगों का आंसर आ रहा होगा जी, आ रहा है कि नहीं बता दीजिए, ठीक है ना। रब कर दो इसको, नेक्स्ट आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, दाएं से 10वें, दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर, ठीक है, सम श्रृंखला में बताना हमें, वो ही सम सीरीज में, कहने का मतलब इवन सीरीज में। देखो क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो मिलेगा ऐसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए लिखा जाए तो दाएं से दसवें के दाएं पांचवां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको ठीक है एग्जाम में मिलेगा इस टाइप से क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिया दाएं से 10वें के दाएं 5वां अक्षर सम सीरीज है। सम सीरीज का मतलब समझ लीजिए ए से स्टार्ट करते हुए हमने कोई सीरीज स्टार्ट किया, मतलब इसमें ए को हमने हटा दिया, ए से हटाते हुए फिर दूसरा अक्षर हटाते गए, ठीक है। तो दाएं से 10वें के दाएं, जैसे ये तो हमने बताया था अभी, देखो ए हटाया, ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए, तो इस ये कौन सी पर आ रहा है, 2 पे, 4 पे, ऐसी 6 पे, 8 पे, तो इस तरह से ये बनती है आपकी इवन सीरीज, इस तरह से ये आपकी बनती है इवन सीरीज, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दाएं से 10वां, आप बोलोगे सर अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, दाएं से 10वां ये दायां है, 10वां के दाएं तो सेम है, दायां दायां सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5, तो 10 में से 5 गया तो 5। अब ये दे रखा आपको दाएं से, ये दे रखा है दाएं से, तो आपको निकालना बाएं से, तो इससे पहले ही बताया था मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे कुछ नहीं सर 14 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14-5, देखो 14-5 तो क्या आ जाएगा, ये 14-5 तो आप बोलोगे सर 9, तो क्या आ जाएगा 9, 9 ही आ रहा है ना सबका, तो सबका 9 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो आप बोलोगे सर 9, तो 9 का मतलब क्या हो जाएगा आई, तो 9 का मतलब हो जाएगा आई। तो इस देखो इस प्रकार आपका आंसर आ गया आई, ठीक है। और इससे पहले में भी बताया था आई, बट इसका आंसर 9 नहीं आएगा, मतलब आई नहीं आएगा, जो कि पहले क्वेश्चन में भी गलती हो गई, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी गलती होगी। गलती क्यों होगी, क्योंकि यह है आपकी सम सीरीज, यह है आपकी सम सीरीज। जब सम सीरीज है तो मैंने क्या बताया था, सम सीरीज को अल्फाबेट सीरीज कैसे बना दोगे, मतलब सम सीरीज निकल गया आई। अगर सम सीरीज में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, सम सीरीज में हम 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो आप अल्फाबेट सीरीज को प्राप्त कर लोगे। अल्फाबेट सीरीज को प्राप्त कर लोगे कि नहीं, आप बोलोगे जी सर आप प्राप्त कर लोगे। तो 9 बराबर आई, तो इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 की वैल्यू क्या आ गई आर, तो आर आंसर होगा, जो कि पहले क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि हम पहले क्वेश्चन में नहीं बता पाए थे, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, और किसी ने बताया भी नहीं था। तो बाएं से अब देखो कैसे करते हैं, दोबारा देख लिए, दाएं से 5वां, तो बाएं से कौन सा हो गया 9वां, बाएं से 9वां आई, तो आई सबने आंसर कर दिया होगा, जैसा कि हम भी कर चुके थे पहले वाले क्वेश्चन में, बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पूरा देखा नहीं था। बाएं से कौन सा हो गया आई, बाएं से कौन सा हो गया आई, क्योंकि ये भी आपकी गलती होंगी, तो जो भी आपकी गलती होंगी मैं खुद ही उनको लेके चल रहा हूँ। तो ये हो गया आई, आई आया 9वां। अब क्या है, ये सम सीरीज है, कहने का मतलब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका आ रहा है 2, देखो बी डी एफ, तो यहाँ से क्या आया 1, 2, 3 ऐसे आया था ना। तो इसको हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसकी पोजीशन होती है अल्फाबेट में 2, इसकी बी डी एफ, इसकी होती है 6, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो हमें सब में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलोगे जी सर तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं इसको, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 18 आर, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा आर। तो पहले क्वेश्चन में भी करेक्शन कर लीजिएगा, पहले जो बताया था उसके आंसर में करेक्शन कर लीजिएगा, उसमें क्या है जो भी आया था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। और क्लियर कर देते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, देखो बाएं से 12वीं की बाएं 5वां, किसमें ईवन सीरीज में, तो क्वेश्चन आपको मिलेगा किसी, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए चलें, तो बाएं से 12वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 12वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं सर, बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां के बाएं, ये भी बाएं, ये भी बाएं, सब्ट्रैक्ट कर दो 5, 7, ठीक है, तो 7, तो सभी क्या कर दोगे जी सेवन, ये होता ना G7, बट इसका आंसर 7 नहीं होगा, इसका आंसर 7 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये आपकी हाफ सीरीज है, हाफ सीरीज है, ठीक है। तो पूरी सीरीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2, मतलब पहली वाली सीरीज प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि किस टाइप से हमें पहले वाली जो इवन सीरीज से अगर हमें अल्फाबेट सीरीज प्राप्त करनी है तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 × 14, तो 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी n, तो आप बोलोगे सर n, तो आंसर क्या आ जाएगी n, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा n। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हो गए, आप तो कर सकते हो, बता दीजिए कि और क्वेश्चन लें, देखो और क्लियर कर लो, क्वेश्चन लिखिए दाएं से 13वें के दाएं, दाएं से 13वें के दाएं 4था अक्षर, दाएं से 13वें के दाएं 4था अक्षर क्या होगा बताइए, वो इवन सीरीज है, क्वेश्चन है, जो
क्वेश्चन लिख रहे हैं वो लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को ए से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ए को हटाते हुए या ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए, ए से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाते हुए चलें तो दाएं से तेरहवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से तेरहवें के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, दाया है, तो दाया ही लिखेंगे हम। दाएं से तेरहवां, अब दाएं तो माइनस कर देंगे, तो 13 - 4 = 9। तो कुछ लोग क्या कर देंगे, 9 की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको हमें बताना है बाएं से। तो बाएं से क्या हो गया, जो दाएं से 9वां अक्षर होगा वो बाएं से कौन सा होगा, 14 - 9 5वां अक्षर, तो बाएं से कौन सा होगा वो 5वां अक्षर। अब देखो हमें बताना अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से। अब अल्फाबेट सीरीज बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10, और 10 की वैल्यू क्या होती है जे, 10 की वैल्यू सभी को पता है जे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा जे, तो सभी का आंसर आ गया होगा जे। तो अब देखो तीन टाइप आपके सबकी समझ में आ गए होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। देखो ए बी सी डी जेड तक है, एक रिवर्स ऑर्डर है और एक सम सीरीज है, तो ये तीन टाइप तो आप सबकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, सबकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप। देखो अगला टाइप आ जाइए, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यदि क्वेश्चन नोट कीजिएगा सभी लोग, यदि अगला टाइप आ गया, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएं या ऐसे लिख लिए, यदि किसी या यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 14वें के बाएं, दाएं से 14वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 14वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। कहने का मतलब है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 14वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब मेरे पॉइंटों पर आइए, अर्धांश का मतलब क्या होता है, अर्धांश का मतलब होता है आधा भाग, अब देखो आप सभी को पता होगा अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं टोटल 26 लेटर, तो अर्धांश आधा, कितना हो जाएगा 13, तो आधा क्या हो जाएगा 13, तो ए से लेके 13 में आपको पता होगा, जब तक आपको ठीक है लेटर की पोजीशन नहीं पता होगी तब तक आप बहुत पीछे हैं। सबसे पहले आपको लेटर की पोजीशन पता होनी चाहिए, लेटर की पोजीशन, तो 13वें पे कौन होता है, आप बोलोगे M, तो A से लेके M तक, और 14वें पे कौन होता है N,
ठीक है, एन से लेके जेड तक, एन से लेके जेड तक। यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से चौदहवें के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से चौदहवें के बाएं पांचवा। अब इनको क्या विपरीत क्रम में लिखा गया, ठीक है, पॉइंटों पर ध्यान देना, विपरीत क्रम में लिखा गया। तो विपरीत क्रम में कहने का मतलब इस टाइप से लिखा गया इसको। इस टाइप से लिखा गया। अब इस सीरीज में पूछा आपसे, ठीक है ना, इस सीरीज में आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? दाएं से चौदहवां, दाएं से चौदहवां के बाएं पांचवा, दाएं से चौदहवां के बाएं पांचवा। तो दाएं से चौदहवें के बाएं पांचवा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, दाएं से चौदहवां कहने का मतलब इधर से आगे दाएं से चौदहवां। तो देखो आप करोगे दाएं से चौदहवां प्लस पांच उन्नीसवां, कहने का मतलब आप बोलोगे सर दाएं से उन्नीसवां, इधर से उन्नीसवां लेटर बताना है आपको, इधर से दाएं से बताना है उन्नीसवां लेटर। तो उन्नीसवां लेटर क्या होगा? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, यहां तक तो आपके तेरह हो गए, यहां तक तो आपके तेरह हो गए, बचे ये। अब देखो ये किस क्रम में चल रहे हैं, ए बी सी डी, इसी क्रम में आ रहे हैं ना, ए बी सी डी इसी क्रम में आ रहे हैं। तो देखो तेरह तो ये हो गए, हमें चाहिए उन्नीस, तो बचे कितने, छः, छः और बचे, देखो तेरह तो आपको पता है, अब चाहिए आपको छः। तो छः का मतलब छः की पोजीशन कौन सी होती है? आप बोलोगे सर F, तो बस सीधा सीधा क्या आ जाएगा, F। तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, F। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा F। बताओ आंसर आया कि नहीं, देखो एक बार और देखिए इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश, तो देखो कंसेप्ट आपका ये है, प्रथम अर्धांश टोटल लेटर कितने होते हैं 26, आधा आधा 13 13, ए से एम तक, एन से जेड तक कितने हो गए 13 13। इन दोनों का विपरीत क्रम में लिखा जाए, ए से एम, तो एम को ए से, ठीक है, एम को यहाँ से स्टार्ट करके ए की तरफ करेंगे, और ये क्या है, एन से जेड तक, तो इसको हम क्या करेंगे, जेड से एन तक स्टार्ट करेंगे, जेड से एन तक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पूछा है दाएं से, दाएं से मतलब इधर से, इधर से ऐसे चलना, दाएं से चौदहवें, दाएं से चौदहवें अक्षर के बाएं पांचवा, के बाएं पांचवा। तो आप बोलोगे दाएं से चौदह प्लस पांच उन्नीस सर, बट क्या है, जो दोनों अर्धांश हैं वो विपरीत क्रम में लिखे गए, दोनों अर्धांश हैं वो आपके विपरीत क्रम में लिखे गए। तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, तेरह से तो हमें कोई लेना देना नहीं है ना, ये तो आपका कंप्लीट अर्धांश हो गया, इस अर्धांश से आपको कोई लेना देना नहीं, सब कुछ लेना देना है आपको इससे। अब ये तो आपके ए बी सी डी के वही अल्फाबेटिकल सीरीज में लिखे हुए, तो आपको निकालना तेरह तो यहाँ से हो गए, आपको छः और चाहिए तो छः, तो ये तो आपको वही सीरीज में लगे एक दो तीन, तो आप बोलोगे छः, तो छः का मतलब F, तो आपका आंसर हो जाएगा F। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा F। आ गया सबकी समझ में? नहीं आया, आ गया सबके में, रब कर दूँ। अब देखो इसमें पूछ लूं मैं आपसे, दाएं से चौदहवें के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से चौदहवें के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा बताइए मेरे को। तो आप बोलोगे सर अब तो कुछ नहीं, अब तो ये बहुत सरल हो गई। बहुत सरल कैसे हो गई? क्योंकि दाएं से कौन सा हो गया, चौदह प्लस सात इक्कीस, आप बोलोगे इक्कीसवां, दाएं से हो गया इक्कीसवां, बट देखो यहाँ तक तेरह तो आपके कंप्लीट हो गए, तेरह तो आपके कंप्लीट हो गए, आपको चाहिए सात, सात और चाहिए। अब देखो ए बी सी डी वही अल्फाबेट की क्रम है, वही है आपका सेम है, तो सात पे कौन सा आता है, जी सेवन, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी। तो सभी का आंसर आ गया जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाएं से चौदहवें के बाएं नौवां अक्षर कौन सा है? तो दाएं से आप बोलोगे कुछ नहीं सर, दाएं से हो जाएगा चौदह प्लस नौ, नौ चार तेरह, तीन तेईसवां। अब देखो तेरह तो यहां तक हो गए कंप्लीट, आपके तेरह तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई, आपको अब बचे कितने, दस, दस इसमें चाहिए, तो क्रम तो सेम ही चल रहा है, तो दस कौन सा हो गया, दस में पे आप बोलोगे जी, तो आपका आंसर आ जाएगा जी।
तो सभी का आंसर आ जाएगा जे, तो सभी का आंसर आ जाएगा जे। ठीक है, रब कर दूं से। अब देखो, जैसे मैं पूछूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसको रब कर देता हूं पूरा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से दूसरा अक्षर, तो दाएं से दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा, इधर से पहला तो एन, आगे क्या आएगा ओ, तो आप बोलोगे ओ। ठीक है, दाएं से दूसरा अक्षर ओ। ठीक है, तेरह तेरह के, तो पहला तो एन, दूसरा क्या हो जाएगा ओ, तो दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, दो। तो कहने का मतलब दाएं से दूसरा, तो ये अल्फाबेटिकल सीरीज का कौन सा हो जाएगा, पंद्रहवा। अल्फाबेटिकल सीरीज का कौन सा हो जाएगा, पंद्रहवा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दाएं से तीसरा अक्षर, तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो देखो तेरह तो उसके हो गए, तीसरा एन ओ, आगे चलते हैं। दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा कौन सा हो जाएगा, एन ओ पी, कहने का मतलब पी, और पी की अल्फाबेट में वैल्यू कितनी होती है, 16। पी की अल्फाबेट में वैल्यू कितनी होती है, 16। तो इस तरह से आप एक कंसेप्ट समझे होंगे, एक लिंकअप समझे होंगे। लिंकअप क्या है कि इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। जैसे मैं पूछ लूँगा दाएं से आठवां अक्षर, ठीक है, आठवां अक्षर, दाएं से आठवां अक्षर, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 13 + 8 कर दो, 13 + 8 तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 21। तो 21वां अक्षर कौन सा होता है बताइए, देखो टी 20, तो टी के बाद आता है यू, तो आपका आंसर हो जाएगा यू, आपके आंसर हो जाएगा यू। कहने का मतलब यह है, यदि आपसे पूछे आठवां नौवां कुछ भी पूछे, तो आपको 13 में ऐड कर देना है, 13 में ऐड कर देना है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं पूछूं आपसे दाएं से पांचवां अक्षर, दाएं से पांचवां अक्षर, तो सेकंड में बताना है, आप बोलोगे दाएं से पांचवां, 13 + 5 18, 18 आर, आंसर आर। दाएं से चौथा अक्षर, तो 13 + 4 आप बोलोगे 17, 17वें पर क्या होता है बताइए, तो 17वां किसके पास आता है, इजोटी ओ पी क्यू, तो आप बोलोगे क्यू। तो ऐसे आंसर आना चाहिए, बस ये चीज़ है। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। दाएं से किसी का पूछ ले, जैसे पूछ ले 7वां अक्षर, 13 + 7 20, 20 पर टी, तो आपका आंसर आएगा टी। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी मतलब कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सीरीज है उसको बताएंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, इससे अगली क्लास में ये आपका चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए घर पे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बच्चों तक फैलाइएगा, जिससे कि और भी बच्चे अवेयर हों और पढ़ाई करें। ठीक है, चलो तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू, बाय।